हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स, मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ को लेकर ना लड़कियों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत छोटी छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लास्ट टाइम से इस बार कैसे डिफरेंट लगे, फैशनेबल भी लगना है, स्टाइलिश भी लगना है और ट्रेडिशनल लुक भी देनी है, कैसे बाकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना है। ये छोटी छोटी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ना जहाँ पे आज मैं खड़ी हुई हूँ ना, वहाँ पे आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलने वाला है। एक बार ज़रा सा कैमरा घुमाइए और देखिए, सोल्यूशन हमारे पास है। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और इतनी डिफरेंट डिफरेंट लुक्स हैं ना कि मतलब मुँह से वाव तो निकलेगा ही इनको देख के। तो ये क्या लुक्स हैं, क्या कुछ खास है, इसके बारे में बताएंगे रिचा मैम, क्योंकि हम आए हुए हैं क्लियोपेट्रा में। रिचा मैम, वेलकम टू पंजाब के श्री नवोदय। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। सारे दर्शकों को फेस्टिव सीजन की मुबारकबाद। अब फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है तो हम भी तैयार हैं। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और जैसे आपने सबको इतना खूबसूरत बनाया, वैसे बहुत खूबसूरत लगे, और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। क्या है ये, मतलब इतनी खूबसूरत लुक्स, इतने खूबसूरत आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके पास? देखिए, हर साल फेस्टिव सीज़न एक ऐसा टाइम होता है कि सबको कुछ नया भी चाहिए और खूबसूरत भी चाहिए और बेटर भी चाहिए, और लोग कहते हैं कि जो हमने पहले कर लिया हम रिपीट नहीं करना चाहते, न्यू ट्रेंड्स भी चाहिए। और क्लियोपेट्रा हमेशा से न्यू ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है कि कुछ नया देने के लिए हर सीज़न में। तो इस बार भी हम कुछ ऐसी नई चीज़ें लाए हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें लाए हैं जो लास्ट ईयर और पिछले सालों से अलग है, जो कि हर एक को पसंद भी आएंगी और वो ट्राई भी कर सकते हैं विद डिफरेंट वेरिएशंस। तो इस बार की जो लुक्स है ना, जो मैं देख रही हूँ इस वक्त, सारी टोटली डिफरेंट है। हेयरडू इतने खूबसूरत हैं, मेकअप सबका अलग, मतलब किस तरह से दुपट्टा कैरी किया है वो सब कुछ एकदम अलग है। तो आप ज़रा सा लुक्स के बारे में बताइए। लुक्स के साथ साथ सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो हमने लॉन्च किया है और जो इस बार सबसे डिफरेंट होगा वो होगा मेहंदी का स्टाइल। करवा चौथ में सबको मेहंदी लगानी होती है, लेकिन सब नए डिज़ाइंस ढूंढते रहते हैं, इस बार हमने स्टाइल ही नया किया है। देखिए, जो फेस्टिविटी होती है उसमें एक मेहंदी है जो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, जो प्योरिटी देती है, जो एक एनर्जी देती है, जो एक फेस्टिव का एक हमारा सिंबल है। दूसरी तरफ है आलता, जो कि आप चाहे बंगाल देखें, उड़ीसा देखें, या काफ़ी सारे हिंदुस्तान में आलता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इस करवा चौथ में हमने सोचा कि क्यों ना आलता और मेहंदी को कंबाइन करके वो एक ऐसा वो लुक दें जो डिफरेंट भी हो जाए और खूबसूरत भी, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लगता है कि दोनों का जो एक फ्यूजन है, ये हमने एक नई चीज़ इस बार शुरू की है। इसके साथ साथ आप अगर आप लुक्स में देखें तो लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ टिपिकल वो ना हो, तो इस बार हमने गोटा पत्ती का भी इस्तेमाल किया। इस बार हमने, आप देखेंगे तो मोतियों का और बीज एंड मोतियों की लुक्स दी है। आप अगर देखें चोटी में जो हाई बंस में होता है, पोनीज में होता है, मैम का देखेंगे तो इनका एक हाई बोम इंग्लिश और उसका फ्यूजन जो कि किसी भी ड्रेस के साथ चला जाए। आप इसके साथ साथ इनको, क्योंकि मोती एंड पर्ल्स एंड ग्रेज है, तो इनको जो लुक्स दी हैं हमने, रोज क्वार्ट्ज ग्लो मेकअप लुक्स दी हैं, ग्लास मेकअप लुक दी है। आप जो ट्रेडिशनल में देखें, इसके बाद इन्हें देखें, तो इनमें हमने गोटा पत्ती और परांदी का कॉम्बिनेशन दिया है और गोल्डन ओम्ब्रे गोल्डन गोल्ड मेकअप किया है इन पे, जो कि थोड़ा सा एक थोड़ा हटके हो जाता है। उसके बाद आप इनको देखेंगे करवा चौथ लुक में, तो इनका जो हेयरडू है और जो इनकी एक ग्लॉसी ग्लास मेकअप के साथ साथ इनका बन, क्योंकि हर एक को, किसी को चोटी चाहिए होती है, किसी को बन चाहिए होता है, किसी को खुले बाल चाहिए होते हैं, किसी को सेमी टाइट चाहिए होता है, हर एक को अलग अलग लुक्स चाहिए होती हैं। तो इनके बन में भी हमने, आप पीछे अगर इनको घुमाएंगे तो देखेंगे कि गोटा पत्ती के साथ हमने बन का इस्तेमाल किया है, गोटा पत्ती इस्तेमाल की है, बन का इस्तेमाल किया, एक ऐसा फ्यूजन दिया है जो कि करवा चौथ में शायद बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद आप उनका देखेंगे साथ में एक ग्लास मेकअप। अगर आप इनका देखेंगे तो, क्योंकि कुछ लोग रेड लेते हैं, कुछ लोग आजकल पेस्टल्स भी चलते हैं, सेमी टाइड लुक्स जो बालों में है, सेमी टाइड लुक्स एक ऐसी हैं कि बंद भी चाहिए, खुला भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, इंडियन भी चाहिए, सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट।
उसके बाद आजकल आपने देखा होगा कि अगेन इनको हमने रोज क्वाड मेकअप दिया है, उसके साथ साथ हेयरडू आप कंगना रनौत और कितनी सारी मॉडल्स को देखते हैं, एक फोल्डेड हेयर के साथ एक क्रंची हेयरडू जिसमें वेव्स एंड क्रंची का कॉम्बिनेशन है, तो हमने वो दिया है क्योंकि लोगों को इंडो वेस्टर्न और गाउन्स और वो सब भी बहुत पहनते हैं, तो यू नो हर लुक्स में, चाहे वो बन हो, सेमी बन हो, चाहे आप मेरा देखेंगे कि मैंने एकदम टोटली न्यूड ग्लास मेकअप किया है विद अ लिटिल रोज क्वार्ट्ज़ टच, बिकॉज यू नो दैट इज़ जो लोगों को चाहिए है, लोगों को मिनिमम भी चाहिए, लोगों को कम भी चाहिए, लोगों को कंटेम्प्रेरी भी चाहिए, सो वी हैव गिवन सो मच ऑफ वेराइटी विद द न्यू ट्विस्ट कि शायद लोगों को पसंद आए। ये जो आपने मैम एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से बताया और सबकी लुक्स बहुत अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले आपने मेहंदी की बात की थी ना, तो आपके अपने हाथ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, हरबीन मैम के हाथ देखे, सबके मतलब के लड़कियां इतनी खूबसूरत हाथ लग रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, तो ये जो एक कम्बिनेशन है ये आलता और मेहंदी का, तो इसको लगाते नॉर्मली वैसे जैसे मेहंदी लगती है कितना टाइम लगता है? देखिए इसमें सबसे पहले आप आलता लगा के रख सकते हैं बिकॉज आलता का एक टिपिकल एरियाज होते हैं, जैसे अभी है, अब मैं अपने इस पे मेहंदी लगाऊंगी, तो आलता लगाएं उसके बाद आप मेहंदी का डिज़ाइन बनाएं तो रिफ्लेक्शन ऑफ आलता एंड मेहंदी दोनों आएगा, जो कि बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही अच्छा, बिकॉज द रेडनेस, आलता की रेडनेस एज इट इज़ हाथों को खूबसूरत और आपको खूबसूरती देती है, और मेहंदी का अपना ही एक करवा चौथ पे टच है, सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज ऑलवेज व्हाट वी नीड। वो रेड और ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन हो जाएगा, प्लास्टिक ऑरेंज, यू नो वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही सुंदर लगेगा। अच्छा, जो लुक्स आप हर साल जितने भी सीजंस कुछ भी फेस्टिवल आता है तो लुक्स मैं देखती हूँ क्लियोपेट्रा के बहुत खूबसूरत होते हैं, तो बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? देखिए हम इंटरनेशनली भी ट्रैवल करते हैं, नेशनली भी करते हैं, हम बहुत सारे फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के शूट्स होते हैं, कवर शूट्स होते हैं, तो हमेशा हर एक जना नया सोचता है, कभी कभी वीडियो देखते देखते उसमें से कोई एक हिंट मिल जाता है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ देख रही थी, जैसे अभी इसका फ्यूजन का है, मैंने देखा आजकल या तो आलता बहुत ज़्यादा चल रहा है या मेहंदी अपना ट्रेडिशनल है, तो मुझे सडनली लगा, मैंने उसके बारे में और पढ़ा कि इन दोनों की सिग्निफिकेंस क्या है, तो मुझे जब समझ आया कि दोनों की सिग्निफिकेंस सेम है, दोनों ही फेस्टिव हैं, दोनों ही एक औरत की प्योरिटी एंड डिवाइन उसको यू नो सिंबलाइज करता है, तो क्यों ना कंबाइन किया जाए, क्यों ना दोनों चीज़ें दी जाए, उसी तरह से गोटापत्ती वगैरह, क्योंकि क्या हो गया था पीछे हमने फ्लावर्स वगैरह और दूसरे यू नो एक हेयर स्टाइल्स, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल्स पिछले साल फ्लैट लुक्स बहुत चल रही थी, तो मैं गाना देख रही थी, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा गाना था जिसमें ना चमन थोड़ा गोटा लगता है, थोड़ा सोना लगता है, थोड़ा वो लगता है, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें इसके जो वर्ड्स हैं व्हाई डोंट वी हैव ऑल दीज वर्ड्स इन अ लुक्स ओनली, कि थोड़े मोती लगते हैं, थोड़ा हीरा लगता है, थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, सो यू नो दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्ड मी फॉर द टू लुक्स, सो इसी तरह से कुछ कुछ आइडिया आप देखते रहें, आप क्रिएटिविटी करते रहें, तो यू नो कुछ ना कुछ निकलता ही है। बिल्कुल, और जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो तो दिख रहा है, सारी लुक से एकदम डिफरेंट है। तो मैम जैसे करवा चौथ की बात करें, लास्ट ईयर के करवा चौथ की बात करें, तो करवा चौथ में मैक्सिमम किस तरह के लुक्स हैं जो वो लेडीज़ चाहती हैं कि हमें इस टाइप की लुक्स चाहिए, तो कैसे आती हैं लुक्स? देखिए आज तक लोग कंटेम्प्रेरी लुक्स, जो ट्रेडिशनल लुक्स पहले वही चलती थी कि आपने यही कलर पहनना है, आपने यही बस मेहंदी लगानी है, और बहुत ही टिपिकल जो कई सालों से चला आ रहा था वो, अब यंग गर्ल्स आ गए हैं, न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, उसको ट्विस्ट चाहिए, वो अपने ड्रेसेस में भी ट्विस्ट चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि सिर्फ वही सिर्फ एक लहंगा वो पहन लिया या रेड साड़ी पहन ली, दे वॉन्ट मोर, तो इस बार ट्विस्ट में सी देखिए गोल्डन मोती ये सारी जो ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज हमारे ट्रेडिशन में हमेशा ब्यूटी को इन्हांस करती हैं, तो इसको एक फ्यूजन लुक की ज़रूरत थी, जो कि यंग गर्ल्स भी एक्सेप्ट करें, जो न्यू ब्राइड्स हैं जिनका फर्स्ट करवा चौथ है, जिनका सेकंड, क्योंकि उनका फर्स्ट करवा चौथ में उन्होंने वो टिपिकल लुक से एक दे दी, अब वो सेकंड में क्या करें, क्या फिर वही अपना शादी का लहंगा पहने, क्या फिर वही मेहंदी, तो नेक्स्ट में उसको डिफरेंट चाहिए हर बार, बिकॉज ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे साल लेडी वेट करती है, एंड यू नो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इस बार क्या नया करूँ।
बिल्कुल, ये चीज़ तो है। और मैम एक चीज़ जो सबके मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि जब करवा चौथ आता है तो बहुत सारा मेकअप होता है, उससे पहले मेकअप से पहले ग्लोइंग स्किन के लिए और मेकअप के बाद स्किन केयर के लिए क्या करें? देखिए, मेकअप और हेयर के लिए तो आप पहले केयर तो एक फेशियल, अच्छा ग्लो फेशियल, अगर आपको टैन है, बिकॉज समर्स से आप निकले हैं, समर्स में टैन आता ही आता है, तो आप डी टैन करें, घर में चाहे पैक लगाएं चाहे प्रोफेशनली फेशियल कराएं, तो एक जो तैयार हो जाती है स्किन, अच्छी स्किन होगी तो अच्छा मेकअप हो पाएगा। उसके साथ साथ जब आप मेकअप कर रहे हैं तो प्राइमर, अगर हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो हेयर के कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब का अगर आप सही ध्यान रखेंगे तो आपकी लुक्स भी अच्छी आएंगी और आपकी स्किन एंड हेयर का केयर भी रहेगी। मेकअप के बाद सबको पता है मेकअप को प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है, स्किन को टोन एंड मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। हेयर को भी उसी तरह से आप ऑयलिंग या मास्क लगा के कंडीशन करके जब आप बाल खोलेंगे तो आपके बाल ज़्यादा स्मूथ और बेटर आएंगे। तो केयर इज़ डेफिनेटली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ताकि आप अगली बार आपकी खूबसूरती और आपके हेयर उतने ही खूबसूरत हो ताकि आप और एक्सपेरिमेंट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपने स्टाइलिंग का इतना बता दिया, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जैसे कोई रेडी होती है लड़की तो जो ड्रेस होती है, आउटफिट होती है, आउटफिट के साथ जो ज्वेलरी होती है उसको कैसे कॉन्ट्रास्ट? ज्वेलरी में आप सिमिलर भी रख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है मैचिंग ज़्यादा करना, आजकल मैचिंग का ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रास्ट कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जैसे अब इनके में इनका है, देखिए अगर आप देखेंगे तो गोटा पत्ती का काम है सारा इसमें, ठीक है, हमने लेकिन इनका हेयर आप पीछे से देखेंगे तो हमने मोतीज के साथ प्ले किया है, सो बट इट इज़ जेलिंग वेरी वेल बिकॉज इसमें ग्रे एंड पिंक कलर था, ग्रे एंड पिंक के साथ आप एसेसरीज चेंज कर सकते हैं। आप अगर उनका भी देखें तो उनका भी हमने ब्लूज एंड पिंक है, लेकिन इनकी एसेसराइज, इनका ओपन हेयर स्टाइल, ये ट्रेडिशनल हो गया, इसने ज्वेलरी भी पहनी है, इंडियन भी हो गया, वेस्टर्न भी हो गया, उनका भी सेमी बन के साथ एसेसराइज आपने चेंज कर लिए, तो आप को ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन ज्वेलरी के साथ फ्यूजन हेयर स्टाइल नहीं कर सकते या इंग्लिश हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू सी कि कौन सा कलर आपका है। अगर पेस्टल्स है तो वाइट्स एंड सिल्वर्स डोमिनेट करेगा, अगर रेड्स है तो गोल्ड डोमिनेट करेगा एंड डायमंड डोमिनेट करेगा, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, ध्यान रखेंगे तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स होती हैं ना वो सारी आपने दूर कर दी, थैंक यू सो मच रिचा मैम, थैंक यू सो मच। तो अब मैं हरवीन मैम के पास जाना चाहूँगी, हरवीन मैम बहुत प्यारे लग रहे हो आप हमेशा, थैंक यू, आपका नेकलेस बहुत प्यारा है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। तो क्या आपकी अपनी लुक कौन सी है वो बताइए? देखिए, सबसे पहले तो क्लियोपेट्रा की तरफ से सबको करवा चौथ और हर एक फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बेसिकली लुक्स जब क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली हम जब सबका सोचते हैं तो अपना भी सोच लेते हैं, क्योंकि शौक हर किसी को पूरा करना चाहिए, और क्योंकि हम हर साल एक नई लुक लेके आते हैं तो 2024-2025 की सारी लेटेस्ट लुक्स और नई क्रिएटिविटी आज हम आपके सामने लाए हैं। तो क्योंकि कई बार आपको चाहिए होता है कि ईजी गोइंग भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, फैशनेबल भी हो और अट्रैक्टिव भी हो, सो ऑफकोर्स ट्रेडिशनल रेड हमारा एक कलर है फेस्टिविटीज़ का, जिसको एक सुहागन का कलर भी बोलते हैं। उसके साथ मैंने, क्योंकि हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, तो मैंने उसको पर्ल्स के साथ हाईलाइट कर दिया है और साथ में एक सेमी वेस्टर्न हेयर स्टाइल किया है, जो ना एक टिपिकल बन है आप देखेंगे, कर्ल्स के साथ ही एक बाउंसी पोनी की है, जिसका जब दिल चाहे पोनी कर ली जाए, जब दिल चाहे टाई किया तो बन हो जाएगा, सो हमारा ये दो तरह का हेयर स्टाइल एक ही हेयर स्टाइल में कंबाइन हो सकता है, सो दैट वे वी डू दी क्रिएटिविटी सो दैट नई नई लुक्स लाते रहें और आप क्यूरियसली देखते रहें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्लियोपेट्रा में आके ये चीज़ ज़रूर होती है कि कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारी टिप्स मिलती हैं, तो आप सबको इसके लिए तो हम थैंक यू ज़रूर बोलेंगे कि आप इतने अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं, और हैप्पी करवा चौथ। तो आप सबको भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने देखा कि करवा चौथ को लेकर आपको नए नए आइडियाज़ ज़रूर मिल चुके हैं, साथ में टिप्स भी मिल चुके हैं कैसे आप और ज़्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। तो कैमरामैन आकाश के साथ संदेश शौलक शर्मा, थैंक यू।